असलम एवरीवान कैसे हैं आप सब आई होप एवरी वन इज़ फाइन आज रीम ने बहुत ही ज़बरदस्त सिनेमन मेल्ट बनाए हैं इन माइक्रोवेव इन जस्ट वन मिनट सो इट्स वन मिनट सिनेमन मेल्ट रेसिपी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ठीक है और आप उसको देख सकते हो कि कितना अटम्प्ट है कि माउथ वाटरिंग है ठीक है तो ये बहुत ही मज़े का बना है शुरू करते हैं इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे वन फोर्थ कप फ्लावर मैदा ठीक है उसके बाद टू टेबल स्पून शुगर उसमें ऐड कर देंगे इसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया है ऑलमोस्ट वन फोर्थ जो है टीस्पून ऑफ़ बेकिंग पाउडर ठीक है इसको मिक्स कर लेंगे इन सब इंग्रेडिएंट्स को उसके बाद इसमें हमने ऑलमोस्ट जो है वन टेबल स्पून ऑफ ऑयल मिल्क सॉरी ऐड करना है ठीक है उसके बाद इसमें वन टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस ऐड करना है अब ये थोड़ी से स्टिकी हो जाएगा ठीक है और ये जो आपका बैटर है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जैसे हमारा जो है हमारे विस्क के साथ इकट्ठा हो गया तो हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे टू टेबल स्पून इसमें जो है हम ऑयल ऐड करेंगे ठीक है अब आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा जो बैटर है रिलीज़ होना शुरू हो गया विस्क के साथ जो जुड़ गया था तो वो थोड़ा सेपरेट हो गया इस पॉइंट पर आकर हम ऑलमोस्ट टू जो है टेबल स्पून टू टू थ्री टेबल स्पून मिल के और ऐड करेंगे और इसको आ, एक आ, थिक से बैटर में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है अब आप देख सकते हैं कि ये जो है पहले बहुत ज़्यादा थिक था अब उस लिहाज से ये जो है आ, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है इम्प्रूव हो गई है और ये स्मूथ सी पेस्ट जो है ना इसकी रेडी हो गई है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि इसका बैटर रेडी हो चुका है अब मैं आपको सॉस के लिए बताती हूँ तो सॉस के लिए जी हमने लेना है वन टेबल स्पून ऑफ़ बटर ठीक है उसके अंदर हमने वन टेबल स्पून ब्राउन शुगर ऐड करना है और थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना हमने सिनेमन जो है वो ऐड कर लेना है ठीक है इट डिपेंड्स कि आप कितनी सॉस बना रहे हैं हमने जितनी सॉस बनाई थी उसके लिए हमने टू टी स्पून सिनेमन ऐड किया था ठीक है तो ये एक अच्छी सी आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लम्स वगैरह ना रहें आपकी जो पेस्ट है इसके अंदर क्योंकि यही जो है हमारा मेन जो है फ़्लेवर देगी ठीक है इसके बाद आ जाते हैं जी हमारी चीज़ वाली सॉस के लिए इसके लिए आपको चाहिए वन टेबल स्पून ऑफ चीज़ ठीक है उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस वन टीस्पून, ठीक है उसमें आप ऐड करेंगे मिल्क पाउडर वन टेबलस्पून, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर वन टेबलस्पून, और देन आप इसमें बटर ऐड करेंगे टू टी के अप्रॉक्स। अब हम अपने बैटर को ऐड करने जा रहे हैं इस मग के अंदर ठीक है इस मग में हम अपना पूरा बैटर जो है डाल लेंगे जब आप एक लेयर आप लगाएंगे अपने बैटर की और देन आपने जो सॉस बनाई थी बटर सिनेमन और ब्राउन शुगर की देन आप उसको उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ठीक है और फिर से आप उसके ऊपर दोबारा से जो है अपना जो केक का बैटर है ये सिनेमन मेल्ट का बैटर आप इसे कह सकते हैं वो इस पर डालेंगे ठीक है तो हम इस तरीके से लेयरिंग कर लेंगे इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी लेयरिंग करना चाहते हैं हमने इस वक्त इतनी ही की है ताकि इसका जो साइज़ है एक सिनेमन uh, मेल्ट के हिसाब से बन जाए तो ये इसको हम अब uh, रखेंगे माइक्रोवेव में और इसको करेंगे बेक जी ये माइक्रोवेव में चला गया और अब हमने इसको वन मिनट के लिए प्रेस कर दिया टाइमर लगा दिया सो so जी आफ्टर वन मिनट हमने इसको निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इट्स रेडी अब इसके ऊपर हम अपनी जो सॉस है ना वो डालेंगे तो जो सॉस है वो हीट के साथ जो है वो इसके अंदर मेल्ट भी हो जाएगी और एब्जॉर्ब भी हो जाएगी एंड दिस इज़ द लुक यू कैन सी आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप भी इस तरीके से ये सिनेमन मेल्ट्स इन जस्ट वन मिनट इन्जॉय कर सकते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपना आ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़ एवरीवन